इसराइल हमास युद्ध अब इसराइल ईरान युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। दोनों देशों में तीव्र जंग छिड़ने की संभावना जताई जा रही है। ईरान ने 13 अप्रैल की शाम को इसराइल पर करीब 300 ड्रोन से हमला किया था। इसके साथ ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी थी। हालांकि ईरान के हमले में इसराइल को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा, जिसके बाद 19 अप्रैल की सुबह ही इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है। ईरान के लगभग 9 लोकेशन को टारगेट बनाया गया है। इसराइल ने किस हथियार से ईरान पर किया अटैक? इसराइल ने सीरिया और इराक में भी ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया। ज्यादातर जगहों पर इसराइल ने यूएवी का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, इसराइल ने ईरान के इफहान शहर में भी हमला किया है, जहां ईरान का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है। ये शहर ईरान की एक तरह से मिलिट्री कैपिटल है और IRGC का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में है। अभी तक इस हमले में किसी बड़ी इंतकाल की खबर नहीं आई है। ईरान का कहना है कि इस्फहान के पास विस्फोटों की आवाज सुनने के बाद उसने कई ड्रोन मार गिराए हैं। बता दें कि इसराइल ने पहले ही ईरान को करारा जवाब देने की बात कही थी, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा था, अगर इसराइल ने इस हमले का जवाब दिया तो हम बिना देर किए दोगुनी ताकत के साथ इसराइल पर हमला करेंगे। ऐसे में इसराइल के इस हमले के बाद दोनों देशों में बड़ी जंग छिड़ने की संभावना बढ़ गई है। इसे देखते हुए ईरान ने अपनी सभी यात्री उड़ानें रद्द कर दी है।